हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी और का माइंड कंट्रोल किया जाए, अपना कर ले पहले इंसान, फिर दूसरों को ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपना करना जरूरी है। ओके, लेट्स सी। तो ये विवेक बिंद्रा है, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी वीडियो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। वैसे मुश्किल काम है, दिमाग तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा सोचे ना, कंट्रोल नहीं आता कि कुछ अच्छा सोचे। हमारी तरह हर वक्त वाहियात सोच हो तो फिर विवेक बिंद्रा को देखना मिलता है। देखिए जी, ओके लेट्स सी। आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर, आज भगवत गीता पे एक और वीडियो लेके आया हूं। आप इतना डिमांड करते हैं गीता की वीडियोस की, तो आज का प्रश्न है अर्जुन का, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, और उत्तर है कृष्ण का। माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं अगर आप, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइफ में कोई गलती ना हो, कोई पाप कार्य ना करे, बड़े फोकस रहे, रिजल्ट अचीव करें, इस वीडियो को जरूर देखिए। अर्जुन का प्रश्न समझिए पहले। अर्जुन तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं अथाकेना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। ये कौन व्यक्ति मुझसे पाप करा रहा है कृष्ण, कौन करा रहा है मुझसे पाप, मेरी पाप करने की इच्छा नहीं है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेहे या अनिच्छन, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मेरी तो इच्छा भी नहीं है, अनिच्छन अपि, कोई इच्छा नहीं मेरी, लेकिन बलादिवा नियोजिता, कोई बलादिवा, कोई बलपूर्वक मुझसे ये काम करा रहा है। हे कृष्ण, मैं ये गलतियां क्यों कर बैठता हूं, मैं क्यों फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, क्यों मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है कि मैं अब्सॉर्ब नहीं रह पाता, ऐसा क्यों होता है कि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है कि मैं इधर उधर भटकने लग जाता हूं। कृष्ण क्या कहते हैं 3.39, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानी नो नित्य वैरिना। आवृतम ज्ञान में, आवृतम आवरण कर दिया है, आवरण आवरण मतलब कवर, आवृतम ज्ञान में इतने आपके सारे ज्ञान को कवर कर दिया है। ज्ञानी नो नित्य वे, ये ज्ञानी व्यक्ति का नित्य वैरी, वैरी मतलब शत्रु, ज्ञानी नो नित्य वैरी ना काम रूपेण कौन्ते हे या, हे कौन्ते मतलब कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र ये काम के रूप में आता है, लस्ट, लस्ट काम के रूप में। दुष्पुरेन अनलेन च, ये ऐसी अग्नि है, दुष्पुरेन अनल, अनल मतलब अग्नि, ये ऐसी अग्नि है पूरे न दुष्पूरे न, ये पूरी नहीं होती, कभी बुझती नहीं, ऐसी आग है ये, जो लस्ट है, लस्ट ये ऐसी आग है, तो लस्ट के कारण ही ये सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ये लस्ट होता क्या है, लस्ट का मतलब कई लोग समझते होता है केवल सेक्स डिजायर, नहीं सर, केवल सेक्स डिजायर लस्ट नहीं है, एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। दोबारा सुनिए, कम ऑन, एक बार और सुनिए, एनी डिजायर, कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपके गोल से बाहर है वो लस्ट है। एनी डिजायर, एक बार समझिए ध्यान से बात को, जैसे भगवान का भक्त होता है उसके लिए भक्ति के बाहर कोई भी डिजायर वो लस्ट है। कोई भी डिजायर का मतलब क्या हो गया, मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदनी है, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट कार। मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, यू आर लस्टिंग बिहाइंड द गोलगप्पा। मुझे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना है, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट ब्यूटीफुल वुमन। इसका मतलब क्या है, लस्ट, जो भी गोल स्टेटमेंट से बाहर वो लस्ट, और यही आपको फंसा देता है। काम रूपेण कौन्ते हे या, ये कामना के रूप में आएगा हे कुंती पुत्र। दुष्पुरेना नलेन, ये ऐसी अग्नि है, इसमें जब घी डालोगे आग बुझाने के लिए, तो जब घी डालते हो आग बुझाने के लिए तो आग बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। खुजली होती है ना, उसे खुजाओ तो खुजली घटती नहीं है और बढ़ जाती है। सेक्स की इच्छा पूरी करके सेक्स करने से सेक्स की इच्छा खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। शराब पीने के बाद शराब पीने की इच्छा पूरी खत्म नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। सिगरेट पीने के बाद सिगरेट पीने की इच्छा समाप्त नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई भी व्यस्त पाप कार्य करते हैं वो अगली बार रुकता नहीं है और बढ़ जाता है। दुष्पुरेन अनलेन च, ये ऐसी अग्नि है जो बुझाने से बुझती नहीं और बढ़ जाती है। अच्छा, अर्जुन को यह समझ में आ रहा था कि मेरा शत्रु लस्ट है और ये लस्ट को खत्म करना है, यानी कि वो सारी इच्छाएं जो गोल स्टेटमेंट के बाहर होती है। लस्ट कभी बताया था, ये जो लस्ट है पता तो चल गया, लेकिन ये रहता कहां पे है?
अब उसका एड्रेस भी तो चाहिए ना आपको, आपको आपका एनिमी मिल जाए तो आप गोली मारेंगे खत्म करेंगे, लेकिन आपको उसका एड्रेस चाहिए, वो रहता कहां पे है। तो अगले श्लोक में कृष्ण ने एड्रेस दे दिया, इंद्रियानि मनो बुद्धिर अधिष्ठानाम उच्यते एतिर विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। यानी कि एड्रेस क्या है, इंद्रियानि मनो बुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि अधिष्ठानाम उच्यते, यही है इसके अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब यही रहते हैं इंद्रिय मन और बुद्धि, इन तीन जगह पे जाके लष्ट रहता है। अगर आपको लष्ट को अटैक करना है तो इंद्रिय मन और बुद्धि को प्यूरिफाई कर दो, वो प्यूरिफाई जस्टिफाई मत करो, प्यूरिफाई करो, क्योंकि अगर नहीं किया एतिर विमोहयति, विमोहित विमोहित, ये आपको विमोहयति, ये इतना विमोहित कर देगा, ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, ज्ञान से ज्ञान को आवरण डाल देगा, आवरण ढक्कन, ए जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो अब एड्रेस भी पता चल गया, अब समझना है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगले श्लोक में कहते हैं तस्मा त्वम इंद्रियानि आदो नियम या भरतर्षभा पापमानां प्रजहियेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें कृष्ण वर्ड यूज करते हैं तस्मात, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, तस्मात का मतलब होता है देयरफॉर, हिंदी में कहते हैं इसलिए, देयरफॉर वर्ड का यूज कब किया जाता है, देयरफॉर वर्ड को यूज करते हैं जब कुछ बात को कंक्लूड करना हो, मान लो पहले कुछ बातें कही और बाद में उसका सारांश देकर उस बात को कंप्लीट करना हो, तो कृष्ण क्या कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियानि आहादो, हे अर्जुन तुम, त्वम इंद्रियानि आहादो, इंद्रियों से शुरुआत करो, आदो आदो मतलब बिगिनिंग में, इंद्रियों से शुरुआत करो, इसका मतलब अर्जुन मैंने पिछले श्लोक में बताया था ना, मतलब कृष्ण ने कि इंद्रिया मन और बुद्धि तीन जगह पे ये कामना रहती है, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं सबके चक्कर में मत पड़ो, तुमसे होगा ही नहीं, तुम खाली इंद्रियों को कंट्रोल कर लो बस, क्या करो तस्मात्म इंद्रियानि आदो नियम या, हाथ आगे लाइए कमाओ, नियम या, मेरे हाथ को देखिए कमाओ, आप भी करिए नियम या, इसको नियमित कर लो, नियमित मतलब रेगुलेट कर दो, किसको रेगुलेट करो सेंसेस को, सेंसेस कौन सी है आंख नाक जीवा कान त्वचा, वन मोर टाइम कम ऑन, आंख नाक जीवा कान त्वचा, ये पांच सेंसेस को रेगुलेट कर लो। अब समझिए पूरा का पूरा आपको मैं यहां पे चार्ट दिखाऊंगा, पर चार्ट से पहले समझिए आत्मा नाम प्रजही एहेनम, ये इतने पाप कराएगा आपसे, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये आपके ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगा। आदमी जो बर्बाद होता है ना, जो आदमी फोकस से हटता है, जो गोल से हटता है, उसका यही कारण है। आपका चैंटिंग क्या है, हियरिंग क्या है, रीडिंग क्या है, आप क्या सुनते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कौन सा मूवी देखते हैं, कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, दोस्त कैसे हैं आपके, आप किताब कौन सी पढ़ते हैं, आप टेलीविजन पे प्रोग्राम कौन सा देखते हैं, जब तक आप अपनी इंद्रियों पे रेगुलेटर, रेगुलेटर पंखे के साथ में रेगुलेटर आता है, म्यूजिक सिस्टम के साथ में रेगुलेटर आता है, FM चैनल के साथ गाड़ी में आप उसको रेगुलेट करते हैं, जब भी आपके पास से रेगुलेटर हाथ से गया तो आपको बहुत तकलीफ आएगी, वो एयर कंडीशन जिसमें रेगुलेटर ही नहीं है वो दुख का कारण बन जाएगा, वो पंखा जिसमें रेगुलेटर ही नहीं है वो दुख का कारण बन जाएगा, वो गर्मी में अच्छा लगता था सर्दी में आपको दुख देगा, आपके पास रेगुलेटर होना चाहिए, रेगुलेट इसको करना है आंख नाक जीवा कान त्वचा, जब इन पांचों को रेगुलेट कर लेंगे तो गलत डेटा अंदर जाएगा नहीं। Stop getting distracted by things that have nothing to do with your goals. जो आपके गोल समझिए, श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं, मैं उनकी इस बात से इतना प्रभावित हो गया, जरा दोबारा सुनिए कमान, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं पानी ही पीता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, जो आप कर रहे हैं ना उससे आप वही कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों में कुछ और एंट्री मत करने दीजिए, क्योंकि ये सेंसेस, देखिए ये है आपका पूरा माइंड, ऊपर है कॉन्शियस माइंड, नीचे है सब कॉन्शियस माइंड, इस सब कॉन्शियस माइंड को पांच द्वारों से कंट्रोल किया है, इस पूरे चार्ट को ध्यान से समझिए, कॉन्शियस माइंड आपकी मतलब बुद्धि और सब कॉन्शियस माइंड मतलब आपका मन, तो तीन बातें बताई थी ना, क्या बताया था इंद्रियानि मनो बुद्धि, ये इंद्रिया मतलब पांच गेट, आंख नाक जीवा कान त्वचा, ये पांच गेट हो गए मन के आसपास और ऊपर है बुद्धि, अब ये बुद्धि इंद्रिय और मन यही पर लष्ट आके रहता है, लेकिन जो अंदर घुस गया इन गेट से मन के, जो अंदर घुस चुका है उसका तो अभी भी कुछ कर नहीं सकते ना, तो कृष्ण क्या कहते हैं, मैं तुम्हें आसान तरीका बताना चाह रहा हूं अर्जुन, मेरी बात सुनो, इधर उधर चक्कर मत लगाओ तुम, तस्मात् त्वम इंद्रियानि आदो, आदो मतलब बिगिनिंग, शुरुआत के लिए पहला स्टेप समझो, खाली इंद्रियों को ठीक कर लो, अंदर जो अब तक घुस चुका है आपके
घुस चुका है ना, कोई बात नहीं, अब और मत घुसने दो, आग के बाहर गेट कीपर लगा दो, वही देखूंगा जो मेरे काम का, नहीं तो नहीं देखूंगा, वही सुनूंगा जो मेरे काम का, नहीं तो नहीं सुनूंगा, वही खाऊंगा जो मेरे काम का, नहीं तो नहीं खाऊंगा, वही सूंगूंगा, उसी को हाथ लगाऊंगा, उसी के साथ उठूंगा बैठूंगा, वही जाऊंगा, वही करूंगा, गोल से बाहर कुछ नहीं करूंगा। तस्मात इंद्रियानि आहादो, शुरुआत यहीं से होगी, इन पांच इंद्रियों को गोल पे झोंक दो, इनको बिल्कुल, इसे क्या बोलते हैं, एकाकी की भावना। ये पांचों इंद्रियां जब एक गोल पे लग जाएंगी ना, तब दिक्कत नहीं आएगी। समस्या क्या ये होती क्यों नहीं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते नहीं है, कब से बोल रहा हूं, कितने वीडियो में बोल चुका हूं, जाओ गीता खरीदो, पढ़ो, बांटो, सबको समझाओ, वही मैं देखिए बड़ा आसान है, जो कृष्ण ने दिया ना, कृष्ण बुद्धिमान है, कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान मुझे अभी तक तो कोई मिला नहीं है, आपको कोई मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कृष्ण ने वो ज्ञान दिया है जो प्रश्न उत्तर, अर्जुन प्रश्न करते गए, कृष्ण उत्तर देते गए, यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, सिंपल है ना, जब मन को जीतने के लिए ही भगवद गीता दी गई है। अगर आप माइंड देखिए, अगर बस ये, या तो मन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं, या इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो सेंटीमेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप सेंटीमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या आप मन की सुन रहे हैं या मन आपको अपनी सुना रहा है, बस यही चक्कर है। लोग कहते हैं मैं मन का राजा हूं, जो मन कहता है वो मैं करता हूं, तू मन का राजा नहीं, तू मन का गुलाम है, क्योंकि जो मन कहता है वो तू करता है, और जो जो मन कहता है तू वो करता है, तो तू गुलाम हुआ, राजा कहां से हुआ, इसलिए यही ट्रेनिंग है, पहले इंद्रियों को रोकना शुरू कर दो, अंदर सही कंटेंट भेजना शुरू कर दो माइंड के अंदर, और जब प्यूरिफाइड कंटेंट अंदर जाएगा तो अंदर भी सब धुल के साफ हो जाएगा, और जब अंदर धुल के साफ हो जाएगा तो बुद्धि डिसीजन लेकर, जब भी डिसीजन लेगा मन उसको पॉपअप हमेशा अच्छी चीजों का देगा, पॉपअप समझते ना, पॉपअप, तो ये मन बुद्धि को यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को पॉपअप देता है, पॉपअप कहां से निकाल के देगा, जो अंदर घुसा वही तो देगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, गुड इन गुड आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, इंद्रियों से जो अंदर गया वही तो बाहर आएगा। बाउंस बैक की अपने हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार्स के अंदर मैं भगवत गीता से बहुत चर्चा करता हूं, अगर आप आज तक नहीं आए तो इसी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए अगला कौन सा शहर है, और हां अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो लीडरशिप फनल में आइए, और अगर आपको भगवत गीता के और वीडियो फ्री में चाहिए कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर ज्यादा कॉमेंट आएंगे मुझे समझ आएगा आपको अच्छा लगता है, अगर आप 100,000 लाइक दे दें तो मैं भगवत गीता के और वीडियो बनाऊंगा, साफ पता लगता है कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद है। एक रिक्वेस्ट करूं, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को इंस्पायर करिए, लोग गीता को धार्मिक किताब समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूं माइंड कंट्रोल के लिए गीता से अच्छी दुनिया में कोई किताब नहीं, शेयर करिए सबको, सब तक पहुंचाइए इस वीडियो को। ओके, दिस वीडियो वाज सो गुड, बेस्ट वीडियो सीरियसली, अभी तक की जो हमने वीडियोस देखी हैं उसके हिसाब से दिस वाज द बेस्ट, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा टॉपिक था जिस पर उन्होंने एलैबोरेट किया, हर इंसान को ये प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, बिल्कुल के फोकस ना रहना ऑब्वियसली, और ये भी होता है कि एक टाइम पे आप फोकस्ड होते हो, एक टाइम पे आप मोटिवेटेड होते हो, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। सो डिस्ट्रैक्शन आती है ना लाइफ में, जब आप अपने गोल के अलावा कुछ और सोचते हो तो फिर आप उस तरफ चले जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इस वीडियो में वही फोकस किया हुआ है, कैसे आप लोगों ने अपने अपनी डिस्ट्रैक्शन से बचना है ताकि आप फोकस रहने अपने गोल की तरफ, तो फोकस रहने के बारे में बताया गया, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन, बहुत अच्छी वीडियो थी, और मुझे तो बहुत मोटिवेशन आया, लेकिन मैंने करना फिर भी कुछ नहीं, स्टिल कुछ टाइम के लिए सही। एग्जैक्टली, सो बहुत अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, और ऐसी वीडियोस मज़ीद ज़रूर शेयर करते रहा करें जो बेनिफिट दें सुनने वालों को, देखने वालों को, और आई होप कि जिन लोगों ने अब ये वीडियो पहले नहीं देखी थी, ये देखने के बाद बहुत कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ को लेकर, बिल्कुल अपनी लाइफ, अपने लाइफ गोल्स को लेकर, और अपनी डेली रूटीन को लेकर, या अपनी अपना जो वे ऑफ लाइफ है उसमें देख के बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके खुद को इम्प्रूव करने का मौका ज़रूर मिला होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहें तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, इट वॉज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल वीडियो, और कोई और वीडियो शेयर करना चाहे तो नीचे कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और दूसरे चैनल पे आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।